वेलकम दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो में एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूरी बनाने के लिए सीख जाना, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसे ध्यान से आप समझना। यहाँ पर देखिए, यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0। देखिए आपके क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री, ठीक है, और आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले आपको ना ये जो दिया हुआ है इसे सेम टू सेम यहाँ पर लिख देना है। तो क्या है, 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आपके क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो जहां जहां पर थीटा है वहां पर आपको थीटा का वैल्यू रख देना है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, सबसे लिखना है 4 cos क्यूब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, यहां पर इसका रख देना है, ठीक है। माइनस अपने देंगे 3 cos और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, यहां पर हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर आपको एक काम करना है, बगल में लिख देना है चूंकि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आगे काम बहुत ही आसान है। देखिए ये जो 4 है और ये cos है, इसके बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, ठीक है, तो उस छुपे हुए मल्टीप्लाई को आपको बाहर निकालना है। यहां पर 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, आप मुझे ये बताइए cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। आपको याद होगा cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है, ठीक है। यहां पर है होल क्यूब, तो आपको भी यहां पर होल क्यूब कर देना है, सॉरी यहां पर क्यूब है, यहां पर आपको क्यूब कर देना है, ठीक है। मैं समझ देंगे 3 है, 3 देंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर 3 और cos के बीच मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, उसे आप बाहर निकालिए, ठीक है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, इक्वल टू 0 है, 0 दे देना है। अब आगे ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए 4 मल्टीप्लाई, यहां पर पावर 3 है, मतलब ये जो है ना √3/2, इसे आप 3 बार लिखना है आपको, √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2, ठीक है। माइनस है, माइनस देंगे। अब यहां पर देखिए 3 इंटू √3 कितना होता है, तो 3 √3 होता है, बाय 2 है तो बाय 2 कर देना है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसे कटाइए, 2 इंटू 2 और 2 2 कट जाएगा। जब आप √3 इंटू √3 कीजिएगा तो आपका रूट तो क्या आएगा, आंसर क्या होगा, जब आप √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 3 आएगा, और 3 से जब √3 में आप गुना कीजिएगा आपका क्या आएगा, तो 3 √3 आएगा, ठीक है। नीचे कुछ बचा है तो बटा 2 है, ठीक है। अब देखिए यहां पर माइनस से माइनस देंगे, इधर क्या है 3 √3 बटा 2, 3 √3 बाय 2 है, ठीक है। अब आप यहां बराबर 0, देखिए ये और ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो इस दोनों को आप कटा दीजिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 होगा इक्वल टू 0, और नीचे में आपको लिख देना है, इसीलिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। देखिए आपका एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर हो चुका है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चंस को आप अभी तुरंत बनाइए इसे। थैंक यू।